वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस्टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज यहां पर चल रही है, जिसका ये वीडियो नंबर 7 है। और आज के इस वीडियो में हम यहां पर DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है और डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, यही सब जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप भी ब्लॉगिंग के माध्यम से पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके अर्निंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में एज अ करियर अपना फ्यूचर देखते हैं, तो इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन नेम आखिर क्या होता है। डोमेन नेम का मतलब है इंटरनेट पर जो आपका ब्लॉग है, जो आपकी वेबसाइट है, उसका नाम क्या है। जैसे मेरे ब्लॉग का नाम है sestalk.com, इसी तरह से google.com, facebook.com, yahoo.com, google.in, amazon, इस तरह से बहुत सारी जो वेबसाइट है, बहुत सारे जो ब्लॉग्स है, इनके जो नाम होते हैं इसे ही हम यहाँ पर डोमेन नेम कहते हैं। लेकिन पिक्चर यहाँ पर खत्म नहीं होती है, ये तो पिक्चर का एंड का यहाँ पर पार्ट है। किसी डोमेन को आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डोमेन का नाम यहाँ पर दिखता है। इसमें आपको http शुरू में लगा हुआ दिखता है, यहाँ पर HTTP या HTTPS हो सकता है। तो यहाँ HTTP या HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्वीकर। आजकल यहाँ पर सभी ब्लॉग या वेबसाइट HTTPS का उपयोग यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के पर्पज से ज्यादा बेहतर और यूजर के दृष्टिकोण से भी ज्यादा स्वीकर माना जाता है। इसमें www लगा होता है, जिसे की वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉग या वेबसाइट का नाम देखने को मिलता है। ये ब्लॉग या वेबसाइट का नाम यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में एक ब्लॉग या एक वेबसाइट का एक ही नाम होगा, एक एक्सटेंशन नेम के साथ। जैसे मेरे ब्लॉग का नाम है sestalk.com, तो sestalk.com के नाम से कोई दूसरा डोमेन, कोई दूसरी वेबसाइट या कोई दूसरा ब्लॉग आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आप एक्सटेंशन नेम चेंज करके, यानी कि sestalk.in, sestalk.co, sestalk.org, इस तरह से आप एक्सटेंशन नेम चेंज करके यहाँ पर ब्लॉग ले सकते हैं, वेबसाइट ले सकते हैं, इंटरनेट पर अपनी जगह ले सकते हैं। दोस्तों सवाल आता है कि ये डोमेन नेम लेने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, क्या डोमेन नेम के बिना कोई वेबसाइट कोई ब्लॉग यहाँ पर नहीं चल सकता। तो डोमेन नेम के बिना ही यहाँ पर वेबसाइट या ब्लॉग चलते हैं, लेकिन इसके पीछे यदि आप देखेंगे तो एक आईपी एड्रेस यहाँ पर होता है। आईपी एड्रेस बड़ा अजीब सा यहाँ पर होता है, जो कि याद रखना बहुत ही कठिन यहाँ पर होता है। जैसे कि एक आईपी एड्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसे एक उदाहरण से हम यहाँ पर समझते हैं। तो किसी एरिया का पिन कोड हमें याद रखना ज़्यादा कठिन होता है, वहीं पर यदि उस शहर का नाम यदि हमें पता है तो वो जो है हमें आसानी से याद होता है। यदि आपको अभी यहाँ पर कहा जाए कि 20 शहरों के नाम लिखिए, तो आप जो है इजी यहाँ पर आसानी से 20 शहरों के नाम लिख देंगे, लेकिन आपको वहीं पर कहा जाए कि किसी 20 शहरों के पिन कोड आपको लिखने की, तो आप यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करने लग जाएंगे। इसी तरह से मैथमेटिकल भाषा में जो आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखा होता है, आईपी एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि आपकी वेबसाइट आपके ब्लॉग का एड्रेस, तो इसे याद रखना यहाँ पर कठिन होता है। शुरू में जब यहाँ पर इंटरनेट पर ब्लॉग या वेबसाइट बनते थे तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही यहाँ पर जाने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे इसमें समस्या आने लगी, इन्हें जो है नाम में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया। अब डोमेन नेम से रिलेटेड एक और शब्द आपको यहाँ पर बार बार सुनने को मिलेगा, जो होता है DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम आपके आईपी एड्रेस को आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के नाम में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है आईपी एड्रेस को लेकर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के नाम का जो पूरा ट्रांसफर होता है, ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पर चलता है, इसे ही हम DNS डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। यहीं पर आपकी वेबसाइट का नाम, आपके डोमेन का नाम, आपके ब्लॉग का नाम यहाँ पर जो है सिक्योर रहता है, रजिस्टर्ड रहता है, ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी नाम से डोमेन खरीदना चाहता है तो उसे जो है यहाँ पर यह सारी चीज़ें नहीं मिलती है। यह डोमेन नेम सिस्टम उसे पहले ही बता देता है कि इस नाम से ऑलरेडी डोमेन यहाँ पर बुक किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर खरीदा हुआ है। इसे जो है आप एक और उदाहरण से यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना, प्लॉट खरीदना यहाँ पर देखा होगा, तो जिस तरह से हम यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में यदि आपको कुछ स्पेस खरीदना है, इंटरनेट पे जब आप ब्लॉग लिखेंगे, वेबसाइट लिखेंगे, तो कुछ इमेज, फोटो, टेक्स्ट यहाँ पर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में रखते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेव रहती है, उसके लिए आपको एक स्पेस खरीदना होगा इंटरनेट की दुनिया में। तो इस इंटरनेट की दुनिया में स्पेस खरीदने के लिए आपको यहाँ पर डोमेन नेम बनाना होता है, डोमेन नेम खरीदना होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है और DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है।
अब यहाँ पर सवाल आता है कि डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। तो इसे जो है आप तीन भागों में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल डोमेन नेम का मतलब है ऐसे डोमेन नेम जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर किसी भी कंट्री में आप इन्हें जो है ओपन कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इन्हें जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन वेबसाइटों को देख सकते हैं, इन वेबसाइटों पर विजिट कर सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन नेम में .com हो गया, .org, .info, .edu, इस तरह के टॉप लेवल डोमेन नेम आते हैं जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर काम करते हैं। .com का मतलब है ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट होती है जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर काम करती है। इसी तरह से .edu का मतलब आप यहाँ पर एजुकेशनल वेबसाइट से निकाल सकते हैं। .org का मतलब किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि बात करें दूसरे प्रकार के डोमेन नेम की, तो ये होता है कंट्री कोड डोमेन नेम। कंट्री कोड डोमेन नेम का मतलब यहाँ पर आप जो है डोमेन नेम को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री से बनाया हुआ ब्लॉग है, कौन सी कंट्री से बनाई हुई वेबसाइट है। कंट्री कोड में आपको अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग कंट्री कोड यहाँ पर लगे हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि .in, इसका मतलब है कि यह इंडिया में बनाया हुआ ब्लॉग है, इंडिया के लोगों के लिए बना हुआ ब्लॉग है। इसी तरह से आपको चाइना के लिए मिल जाएगा, .cn इंडोनेशिया के लिए मिल जाएगा, .id ब्राजील के लिए .br हो जाएगा, कनाडा के लिए .ca हो जाएगा। इस तरह के जो डोमेन नेम होते हैं, इस तरह के जो एक्सटेंशन नेम यहाँ पर ब्लॉग के नाम के आखिर में लगा होता है, ये यहाँ पर पहचान कराता है कि ये डोमेन कौन सी कंट्री का है। इसी तरह से तीसरे प्रकार का भी डोमेन आपको यहाँ पर कई बार देखने को मिल सकता है, जिसे हम सब डोमेन यहाँ पर कहते हैं। जैसे मेरे ब्लॉग की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको sestalk.com देखने को मिल रहा है। इसमें ही आप यहाँ पर देखेंगे तो book.sestalk.com आपको देखने को मिल सकता है, contact.sestalk.com यहाँ पर देखने को मिलता है। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको इस तरह के सब डोमेन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि analytics.google.com, adsense.google.com। इस तरह के जो दो नाम वाले डोमेन होते हैं, इन्हें जो है आप सब डोमेन यहाँ पर कह सकते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि डोमेन नेम कहाँ से खरीदे, तो डोमेन नेम खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट है जो इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जैसे कि godaddy.com, bigrock.com, hostgator.com। इस तरह के ऐसे सैकड़ों प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। डोमेन नेम खरीदने में कितना पैसा लगता है, तो ये डिपेंड करता है उस समय क्या ऑफर यहाँ पर चल रहा है, आप कौन सा टाइप का डोमेन नेम यहाँ पर ले रहे हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम खरीद रहे हैं या कंट्री लेवल डोमेन नेम खरीद रहे हैं, इसके अलावा कितने टाइम के लिए आप वह डोमेन नेम खरीद रहे हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आपको यहाँ पर लगेगा। तो वीडियो के एंड में डोमेन नेम को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो आप पहली बार डोमेन नेम यहाँ पर खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको यहाँ पर जरूर रखना चाहिए। जैसे कि यदि आप डोमेन नेम खरीदने जा रहे हैं तो डोमेन नेम का नाम आपको कुछ इस तरह से रखना है कि वह नाम बहुत ही छोटा हो। छोटे का मतलब कि उसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर ना हो। कोशिश करें कि 10 या 12 या उससे कम ही अल्फ़ाबेट आपके जो है डोमेन नेम में यहाँ पर शामिल हो, ताकि लोगों को आपका डोमेन नेम याद रखने में यहाँ पर इजी हो। दूसरी चीज़ ध्यान यहाँ पर ये रखें कि आप जिस काम के लिए वह डोमेन नेम खरीद रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए वो डोमेन नेम खरीद रहे हैं, यदि आपका डोमेन नेम वो चीज़ यहाँ पर दर्शाता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर होगी। जैसे कि आप एक टेक्निकल ब्लॉग यहाँ पर बना रहे हैं तो आपके डोमेन नेम में टेक शब्द यहाँ पर आ रहा है, टेक्निकल शब्द यहाँ पर शामिल हो रहा है, तो ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आपको टॉप लेवल डोमेन नेम यहाँ पर खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉप लेवल डोमेन नेम को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखा जा सकता है। इसमें आपकी जो है पॉपुलरिटी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती है, लेकिन आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट कोई स्पेशल लैंग्वेज में यहाँ पर है जो किसी स्पेशल क्षेत्र में ही बोली जाती है, जैसे कि इंडिया में तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, इस तरह की भाषाओं में यदि आप ब्लॉग यहाँ पर बना रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर .in वाला कंट्री लेवल डोमेन नेम भी बेटर रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर चले, आपकी हिंदी, इंग्लिश या कुछ ऐसी भाषाओं में आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं, अपनी वेबसाइट बना रहे हैं जिसको कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर जानी जाती है, पहचानी जाती है, तो ऐसी वेबसाइटों के लिए, ऐसे ब्लॉग के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको टॉप लेवल डोमेन नेम यहाँ पर मिले, कि आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट वो काम आपको करके दे जिस उद्देश्य से आप जो है अपना ब्लॉग या अपनी वेबसाइट यहाँ पर बना रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, डोमेन नेम खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। और इसके अलावा भी आपके कोई सवाल या कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन नेम को किस तरह से परचेस किया जाता है, ये लाइव मैं आपको यहाँ पर एक डोमेन नेम खरीद के दिखाऊंगा। तो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये हमारी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ये वीडियो, ये जानकारी, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी तरह के एजुकेशन, टेक्निकल, मेक मनी टिप्स और हेल्पफुल नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।